अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त औरंगजेब, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार सुरकार। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बत्ती ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं आप लोग के लिए छोटी गाड़ी लेके आऊँ, सुजुकी स्टिंगरे वैगनार है ये, और जैपनीज़ मॉडल है और ये फुल ऑप्शन में आती है। स्टिंगरे जो है, सुजुकी वैगनार सिंपल भी आती है लेकिन इसे स्टिंगरे का नाम दिया गया क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर, हैंडलैम्स, क्लाइमेट कंट्रोल, अला बला बला बहुत चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू भी करवाऊंगा और फॉर सेल भी है। तो सबसे पहले तो गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि बड़े शशके वाला इंटीरियर है गाड़ी का, और सोफ़ा सीट्स भी हैं, सब कुछ है। तो आएँ चलते हैं गाड़ी की तरफ। हाँ जी जनाब, सबसे पहले आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। गाड़ी में आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, ठीक है जनाब। और उसके बाद आपको ये देखें जनाब, लेदर सीट साइड से और सेंटर में ज़रा फैब्रिक की फिनिशिंग भी मिलती है। और इसका जो फुन थ्रू है ये ऊपर है, ये देखें, आप चेक करें, इजीली आप गियर लगा सकते हैं। जिस भाई को नीचे हाथ डालने में तंगी होती हो वो ऊपर से गियर लगा सकते हैं इसका। तो जनाब, ये फुल कार सुरकार वालों के लिए गाड़ी है। ये देखें, डोर पैनल बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं गाड़ी के, और ये वाकई कोई मजाक नहीं है। ये भाई कर्नल के इस्तेमाल में गाड़ी है, कोई इसमें वो झूठ वाली बात नहीं है जैसे अक्सर लोग कहते हैं, नहीं यार ये वो। लेकिन कर्नल भी भाई बंदा ही है, वो भी बंदों की तरह ही चलाता है गाड़ी जैसे बाकी बंदे चलाते हैं, तो इसमें कोई वक्री बात नहीं है। तो ये चेक करें आप, पावर विंडो मिलते हैं आपको, रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं, और मिरर्स एडजस्टमेंट के आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद ये इल्यूमो की पता नहीं क्या है, ये शायद लाइट्स की है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन मिलती है जनाब। इसका स्टार्टअप चेक कर लेते हैं, माइलेज भी देख लेते हैं। हाँ जी जनाब, इसकी जो माइलेज है वो 73,000, 73,000, अल्लाह जाने ओरिजिनल है या रिवर्स है यार, ये आप लोग को पता, लेकिन गाड़ी कंडीशन में भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इंटीरियर आप चेक करें, कैनवुड का कोई जापानी सिस्टम लगा हुआ है इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको, सीवीटी गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है आपको। और उसके बाद आपको ये दो खाने मिल जाते हैं, एक खाना ऊपर है, एक खाना जनाब नीचे है, ठीक है। और पीछे से भी गाड़ी अच्छी खासी खुली है, मतलब जिस बंदे का कद बड़ा हो, जैसे मेरा कद ये देखें। हाँ जी जनाब, मेरे जैसे बंदे के लिए, जैसे मैं 6 फीट का बंदा हूँ, तो जनाब ये देखें, छत से बड़ी स्पेस है इसकी यार, बड़ा फासला है, मतलब 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है। मेहरान में तो सर छत के साथ लग रहा होता है जनाब। ये देखें, पीछे से भी सेम है, पीछे भी आप बड़े बंदे बिठा सकते हैं आराम से, पीछे से बड़ी खुली है, ठीक है। और अब आ जाते हैं जनाब, ये देखें, आप यहाँ पे भी एक बच्चा बिठा सकते हैं, सोफ़ा सीट्स हैं, इसे ऊपर कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चा बिठा दें, बस ये ख्याल करना है आपने, ये जो फुंतरू है इसे बचाना है, बच्चे को यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। बाकी तो आपको ये देखें ना, सारी चीज़ें मिलती हैं ये गाड़ी में, बिल्कुल ये फ्रेश पड़ी है। बाकी बाहर से मैं आपको गाड़ी चेक करवाता हूँ जनाब, इसकी स्मार्ट एंट्री है, ये चेक करें, पुश स्टार्ट में है, स्मार्ट एंट्री है, आपको चाबी की ज़रूरत ही नहीं है। पुश स्टार्ट और सीलों मिलों में गाड़ी जनाब बिल्कुल पैक है, बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। सीलों में पर्ल वाइट कलर है, 14 के लारे मिलते हैं आपको, 14 के टायर मिलते हैं, और चाइना के न्यू टायर डले हुए हैं जनाब, पर्ल वाइट कलर में मिलती है, फुटबैरी वगैरह इंस्टॉल्ड है गाड़ी में, ठीक है। बाकी ये देखें, आपको ये पुश वाला फुन थ्रू भी मिल जाता है, ये चेक करें। पिछवाड़े पे हैं तो जनाब, पिछवाड़े पे आपको क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं, ऊपर भी एक छोटी सी लाइट मिल जाती है, लॉ रजिस्टर्ड है, और ये नीचे आपको ये फ्लैशर, वो मतलब पीछे से जो लाइटें हैं आपको पहचानना उन्होंने, तो जनाब ये आपको वाइपर मिलता है, ये देखें, जो शीशे साफ़ करने के लिए, और ये वॉशर भी मिल जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, पीछे तो हम खैर वैसे ही काले शीशे रखते हैं। डिग्गी की स्पेस भी जनाब आप चेक कर लें, बड़ी ज़बरदस्त है, ये चेक करें आप। बाकी भाईजान, अगर कोई मियाँ बीवी हैं और उनके 6-7 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप सीटें फोल्ड करके उन्हें यहाँ बिठा सकते हैं, जिन्होंने क्रिकेट टीम पैदा करनी है तो उनके लिए बेहतरीन गाड़ी है ये, ठीक है। जितने मर्ज़ी आप बच्चे घुसा दें, अंदर आ जाएंगे, सिर्फ आपने ये सीटें फोल्ड करनी है और पूरे ऐसे लेट जाना है, बिल्कुल बिस्तरा डाल देना है, कम पैसों में अच्छी गाड़ी। बाकी जनाब लेफ्ट साइड में हैं तो लेफ्ट साइड पर ज़रा फुटबैरी थोड़ी सी ज़ख्मी है, बाकी ये कलर की कंडीशन तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश पड़ा है। बाकी टचिंग इनमें होती है, जो कहते हैं यार टचिंग नहीं होती वो झूठ बोलते हैं, जिन जापानी गाड़ी है तो टचिंग तो होगी ना। बाकी सीले मिले हर चीज़ जेन्युइन ठहरी है, गाड़ी की डोर पैनल बड़े ज़बरदस्त हैं, ये चेक करें आप। भैया ना फ्रंट पे हैं तो जनाब, फ्रंट पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, लॉ रजिस्टर, बड़ी ही प्यारी ट्रांसपेरेंट ग्रिल मिल जाती है, छोटे से फुंतरू भी है, इन्होंने आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं ताकि कोई डिमर दे तो उसे आंखें मारने के लिए हैं, ठीक है जनाब। तो इंजन रूम इसका खोलते हैं, मैं आपको इंजन रूम इसका चेक करवाता हूँ, छोटा सा है। हाँ जी जनाब, ये आपको 660 cc का इंजन मिलता है आपको, ये चेक करें आप। बाकी जापानी गाड़ियों की फिनिशिंग चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखें, छोटा सा इन्होंने ये भी लगाया हुआ है फुंतरू जैसा, ये नमदा, ये जो हीट अब्सॉर्व के लिए होता है, ड्राई बैटरी है इसमें, बाकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह वो सारा कुछ मैंने आपको बताया, इंजन 100% है जी जनाब, सीले मिले हर चीज़ पूरी है गाड़ी की।
साथ में आपको टिशू का डब्बा फ्री मिलेगा भाईजान। ये जनाब है सुजुकी स्टिंगरे 2011 का मॉडल है, 15 का नंबर है और रजिस्टर्ड है। चलें मैं अब आपको इसके रेट के हवाले से भी बता देता हूँ। हाँ जी, तो भाईजान गाड़ी आप लोगों ने देखी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जनाब ये कर्नल यूज़ की गाड़ी है, इसमें कोई झूठ नहीं है भाईजान, ठीक है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन रखी हुई है गाड़ी की। एक दो बटन आने से डेली कपड़ा मारते हैं, सारा साफ़ करते हैं। कल परसों वो शोरूम पर खड़ी कर गए हैं कि गाड़ी बेचनी है, तो बड़े फंक्शन है गाड़ी में। जनाब 11 मॉडल है, 15 का नंबर है, सुजुकी स्टिंगरे, पर्ल वाइट कलर। इसकी जो डिमांड है सर 23 है, लेकिन ये आपको बहुत मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। जो सीरियस बायर हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसकी क्या तारीफ़ें बयान करूं, बस जो तारीफ़ें थी सर मैंने आप लोग को बता दी हैं। तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।